children hope you're all doing good let's start today's chapter measurement and motion learning objectives what is measurement standard units of measurement correct method of using a scale rest in motion types of motion history of transport measurement is not a new concept it is as old as the indus valley civilization from the very beginning of mankind, people have created numerous ways and techniques to measure some quantities which are referred to as physical quantities. We learned to measure mass, length, and time in the ancient times, and now we do so in the present by using different measuring tools. We need to measure length, distance, weight, time, temperature, rainfall, and volume. We use measurements in our daily life to determine. The amount of fruits or vegetables we need to buy, the length of cloth required to make a dress, the time taken to reach the school, the amount of petrol or gas needed for our vehicles, and many more such things. देखिए measurement कोई new concept तो है नहीं। पहले के time पे भी, ancient time पे भी लोग measure करते थे length को, mass को, right या time को। अब आज के time पे भी हम करते हैं but अब जो tools तो हैं वो change हो चुके हैं। तो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मेजर करते हैं जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स लेने हम गए हैं ओके हमें कोई ड्रेस बनानी है उसके लिए कपड़ा चाहिए उसकी लेंथ हम मेजर करते हैं हमें स्कूल पहुंचना है है ना टाइम देखते हैं और कितना हमें टाइम लगा हम मेजर करते हैं हमें ट्वेंटी मिनट्स लगे हाफ एन आवर लगा है, कितना टाइम लगा इसके अलावा अमाउंट ऑफ पेट्रोल या गैस हमारे व्हीकल्स में कितनी हमें डालनी है कितनी चाहिए उसे भी हम मेजर करते हैं वॉट इज़ मेजरमेंट मेजरमेंट इज अ कम्पेरिजन ऑफ एन अनोन क्वान्टिटी विद अ नोन फिक्स क्वान्टिटी ऑफ द सेम काइंड दिस नोन फिक्स क्वान्टिटी इज कॉल्ड अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट एनी थिंग विच कैन बी मेजर्ड इज रेफर्ड टू एज अ फिजिकल क्वान्टिटी मेजरमेंट आपका कंपेरिजन होता है किसी भी अन नोन क्वान्टिटी का एक नोन फिक्स क्वान्टिटी के साथ ऑफ सेम काइंड तो इसे ये जो नोन और फिक्स क्वान्टिटी है इसे कहा जाता है यूनिट ऑफ मेजरमेंट तो किसी भी चीज को आपका मेजर किया जा सकता है measurement of a physical quantity has two parts the unit in which it is measured the magnitude or number which expresses how many times the above mentioned unit is contained in the given quantity so the measurement of anything is expressed by two components units of measurement and number of such units for example 2 meter 4 kilogram etc तो देखिए आपके दो पार्ट्स हैं सबसे पहले तो यूनिट जिसमें इसको मेजर किया जाता है दूसरा जो मैग्नीट्यूड या नंबर है जिसमें इसको एक्सप्रेस किया जाता है कि हाउ मेनी टाइम्स जो अब मैं यूनिट है उसके गिवन क्वान्टिटी कितनी है जैसे कि आपके जैसे फॉर एग्जाम्पल टू मीटर फोर किलोग्राम राइट हिस्ट्री ऑफ मेजरमेंट इन एशियन टाइम्स एंड मेजरिंग टूल्स फॉर नॉट अवेलेबल पीपल यूज द बॉडी पार्ट्स टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स पहले टाइम पे ये मेजरिंग टूल्स नहीं थे तो लोग क्या करते थे अपने बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे किसी भी लेंथ को मेजर करने के लिए बॉडी पार्ट्स द कॉमन दैट पीपल यूज टू मेजर डिफरेंट डायमेंशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट दे दूस हैंडेन फुट लेंथ याड क्यूबीटर ओंगली टू मेजर द लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट तो वो किसका यूज करते थे हैंड्सपेन या फुट लेंथ का यार्ड या क्यूबिट ओके या फिर ओंगली फोर फिंगर्स का यूज करते थे कि किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी है द ऑफ फिंगर विंगर नोन एज वन अंगुल जो एक फिंगर की विर्थ थी उसे एक अंगल कहा जाता था द देंथ बिटवीन द टिप ऑफ द दम एंड द लिटल फिंगर ऑफ ए कंप्लीटली स्ट्रेच हैंड वॉज नोन एज हैंड दिस वॉज कॉल्ड हैंड स्पेन ओके एंड द लेंथ बिटवीन द टिप ऑफ द मिडल फिंगर एंड द एल्बो ऑफ वन आर्म

अब देखिए एक एक्टिविटी आपको दी गई है और अब आप आपको क्या करना है इसको कि आप इसे खुद करेंगे जैसे कि आपके ब्लैक बोर्ड रजिस्टर कॉपी हाइट ऑफ द डेस्क सब आपको मेजर करना है ओके फॉर मेजरिंग थिंग्स वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट विच कुफॉर्मली यूज बाई एवरी वन सचनिट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट दिस यूनिट विल बी सेवरी वन वेदर अ चाइल्ड और एन अडल्ट

तो इसीलिए ऐसे यूनिट की ज़रूरत थी जो कि यूनिफॉर्मली जिसको यूज़ कर सके हर कोई तो ऐसे यूनिट्स को कहा गया स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट अब ये हर जगह सेम होंगे और हर किसी के लिए सेम होंगे चाहे वो चाइल्ड हो या एडल्ट हो चाहे इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो ओके okay? स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट Standard units of measurement are accepted internationally and are known as SI, International System Units. SI is abbreviated from the French system International D Units. It is based on meter kilogram second system. Length, mass and time are considered as a basic quantities for measurement. Other systems also in use are FPS system, foot pound second, CGS system centimeter gram second and MKS system meter kilogram second. MKS and SI use the same units for length, mass and time. अब जो स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट हैं जिनको इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया है उन्हें कहा गया है एस यूनिट्स ओके और ये बेस्ड होती हैं आपकी मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम यानी कि जो लेंथ मास एंड टाइम है इनको कंसिडर किया गया है बेसिक क्वांटिटीज फॉर मेजरमेंट इसके अलावा दूसरे सिस्टम भी हैं जैसे कि एफ और आपका सी और एम के और एस SI जो आपके स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं एस आई सिस्टम में ये सेम यूनिट्स को यूज़ करते हैं लेंथ मास एंड टाइम के लिए तो देखिए आपको कुछ क्वांटिटी दी गई है लाइक लेंथ इसके ऐसा यूनिट है मीटर एंड दिस इज द सिंबल मास की ऐसा SI यूनिट है किलोग्राम एंड दिस इज द सिंबल डू यू नो द नेशनल फिजिकल लेबॉरिटरी एन पी एल न्यू डेली द बेसिक यूनिट्स ऑफ इंडिया एन पी एल जो आपका नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है न्यू डेली में ये नेशनल स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑल द बेसिक यूनिट्स को मेंटेन करते हैं इंडिया में मीटर इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन ऑन अ स्टैंडर्ड बार बार्पोज ऑफ एन अलॉय ऑफ नाइंटी परसेंट प्लाटिनम एंड टेन परसेंट इरेडियम मेजोर्ड एट जीरो डिग्री सेल्सियस दिस स्टैंडर्ड बार बारेरिस मीटर आपका डिस्टेंस है बिटवीन टू लाइन्स ऑन अ स्टैंडर्ड बार जो कि आपका अलॉय से बना है जिसमें नाइनटी परसेंट प्लाटिनम है एंड टेन परसेंट इरेडियम है जिसको जीरो डिग्री सेल्सियस पे मेजर किया गया है और ये जो स्टैंडर्ड बार है इसको पेरिस में रखा गया है नीड फॉर वेरी डिफरेंट वेरिएशन ऑफ यूनिट्स द स्टैंडर्ड यूनिट्स वर नॉट इनफ टू मेजर डिफरेंट थिंग्स दिस इज बिकॉज सिंगल यूनिट कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी स्मॉल थिंग्स लाइक थिकनेस ऑफ अ पेपर एंड वेरी लार्ज थिंग्स लाइक डिस्टेंस बिटवीन कश्मीर एंड कन्याकुमारी सो डिफरेंट made. ऑफ यूनिट्स between two द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज इज लार्ज सच लार्ज डिस्टेंस as a किलोमीटर आज आपकी जो स्टैंडर्ड यूनिट्स थी वो डिफरेंट थिंग्स को मेजर करने के लिए इनफ नहीं थी क्योंकि देखिए एक सिंगल यूनिट को हम बहुत छोटी चीज़ या, या बहुत लंबी चीज़ जो है बहुत लार्ज है उसका डिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज़ नहीं कर सकते जैसे कि पेपर के थिकनेस है ओके okay, या दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस है जैसे कश्मीर एंड कन्याकुमारी के बीच की बात करें हम तो जो दो सिटीज़ के बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है तो ऐसे डिस्टेंस को मेजर किया जाता है किलोमीटर में Distances like the length of a room, the height of a building, or the length of a football field, which are not too large or too small, are measured using meter as the unit. अब जैसे जो लेंथ है रूम की हाइट है बिल्डिंग की या जो लेंथ है फुटबॉल फील्ड की वो बहुत ज़्यादा बड़े नहीं होते और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं होते हैं तो इनको मेजर किया जाता है मीटर में स्मॉल आर लेंथ लाइक द लेंथ ऑफ ए नोटबुक और द ब्रेथ ऑफ अ लैपटॉप स्क्रीन आर मेजर यूजिंग सेंटीमीटर एज अ यूनिट अब नोटबुक की लेंथ आपको मेजर करनी है या लैपटॉप की ब्रेथ मेजर करनी है तो इनको सेंटीमीटर्स में मेजर किया जाता है वेरी स्मॉल लेंथ सच एज द थिकनेस ऑफ अ कॉइन अ मेजर यूजिंग मिलीमीटर एज ए यूनिट और बहुत ही छोटी अगर लेंथ है जैसे कि कॉइन की थिकनेस है उसको मेजर करना तो उसे मिलीमीटर्स में मेजर किया जाता है अब देखिए आपको मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स दे रखे हैं लेंथ मास और टाइम की देखिए मल्टीपल्स एंड सब मल्टीपल्स ऑफ लेंथ वन सेंटीमीटर में आपके होते हैं टेन मिलीमीटर ओके वन मीटर में आपके होता है हंड्रेड सेंटीमीटर एंड वन किलोमीटर में आपका होता है थाउजेंड मीटर इसी तरह से देखिए मास्क है आपके होते हैं थाउजेंड ग्राम्स एंड वन मेट्रिक टन और टन में आपका होता है इक्वल टू होता है आपके थाउजेंड किलोग्राम्स के और ये आपके मल्टीपल्स इन सब मल्टीपल्स हैं टाइम के मेजरिंग डिवाइसिस देर आर सर्टिन स्टैंडर्ड क्वॉंटिटीज यूजिंग विच

Selection of measuring device is not only the important thing. It is equally important to use that device correctly. Some common points that should be taken care of while measuring are: the scale must be placed straight along the length to be measured. अच्छा देखिए, जब आप scale से कोई length किसी भी object की measure करें, तो कुछ आपको steps याद रखने, okay? जिससे कि आपकी correct reading आए. सबसे पहले तो scale को straight जिस कि आप लेंथ मेजर कर रहे हैं आप उसको स्ट्रेट उसमें प्लेस करेंगे द पॉइंट ऑफ मेजरमेंट एंड द आई शुड बी इन द स्ट्रेट लाइन इफ द इज नॉट ए लाइन विद द मेजरमेंट द मेजर लाइं शॉर्टर और लॉन्गर the सो कीप so that आई एट द करेक्ट point where इज वर्टिकली is मेजरमेंट इज टू बी shown बिलो इन द फिगर

जिस लाइन को आप मेजर कर रहे हैं उस पर नहीं है तो क्या होगा कि आपके उसमें एरर आ जाएगी वो एक्चुअल या तो शॉर्टर हो जाएगा या आपका क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा लंबा हो जाएगा जैसे कि आपके देखिए यहाँ पे दिया गया है ये देखिए अगर आप इसको इस तरह से देख रहे हैं देखिए पॉइंट आपको यहाँ पे मेजर करना है आप इधर देख रहे हैं तो भी गलत है और आप उस पॉइंट से आगे देख रहे हैं तो भी गलत है आपको एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे देखना है ओके और अगर आपने आपकी आई जो है वो करेक्ट पोजिशनिंग उसकी नहीं है तो इसमें ऐसे में एरर आ जाती है जिसे कहा जाता है पैरलेक्स एरर

आफ्टर मेजरिंग द स्टार्टिंग पॉइंट वैल्यू मस्ट भी सब्ट्रैक्ट ऑन द फाइनल रीडिंग टू कैलकुलेट द करेक्ट लेंथ ठीक है और इसमें क्या कर, क्या कर सकते जो आपकी जो टोटल लेंथ आई है उसमें से आप उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे जैसे आपने थ्री से स्टार्ट किया है right? राइट और आपका जैसे टेन तक आया है टोटल लेंथ आपकी आई है टेन टेन में से आप कितना माइनस कर देंगे थ्री यानी एक्चुअल लेंथ होगी सेवन सेंटीमीटर एक्टिविटी टू मेजरिंग द लेंथ ऑफ ए करव लाइन यूजिंग थ्रेड देखा थ्रेड टू मेजर देंथ ऑफ ए कर लाइन In order to fix a point, put a knot on the thread near one of its end. The knot is placed on the point A. Now stretch the thread along a small section of the curved line, keeping the thread taut using your fingers and thumb. Now place your hand at the end point. Using the other hand, stretch a little more portion of the thread along the curved line. The process is a repeated over and again till the other end G of the curved line is reached. On reaching the point G, mark the thread.

अब जैसे जी पॉइंट पर आप पहुंचेंगे वो जो है, आप उसे क्या कर देंगे मार्क कर देंगे नाउ इट इज टाइम टू स्ट्रेच द थ्रेड अ मीटर स्केल द मेजरमेंट ऑफ द लेंथ बिटवीन द नॉट इन द बिगिनिंग एंड द फाइनल मार्क ऑन द थ्रेड गिव्स द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन ए जी अब आपकी जो कर्व लाइन ए जी थी आपने थ्रेड को वहां से स्ट्रेच किया उसके बाद अपने मीटर स्केल पे आप देखेंगे जो आपने नॉट जो आपका ए पॉइंट पे था वो आपका इनिशियल पॉइंट है

कंटिन्यू मार्किंग इट इन द सेम मैनर अप टू देंड अच्छा आपको क्या करें डिवाइडर लेना है इसकी दोनों आर्म्स को आपने ओपन करनी है एक स्मॉल डिस्टेंस से फाइव मिलीमीटर mm या वन सेंटीमीटर अच्छा अब आपने क्या करना है कि इसकी जो प्लेस इधर ऑफ इट्स आर्म एट वन एंड ऑफ द कर्व लाइन एंड दूसरी आपकी दूसरे आपके पॉइंट पर होगी कर्व लाइन की फिर आपने लाइन को मार्क कर लेना है कि आपका एक लाइन सेगमेंट हो गया एक सेगमेंट हो गया फिर इस मार्किंग को आपने अब आप जो लास्ट में आपका जो मार्किंग है वो आपका न्यू स्टार्टिंग पॉइंट है फिर दूसरा सेगमेंट आप बनाएंगे इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि आप एंड तक ना पहुंच जाए इफ सम पोर्शन ऑफ द लाइन इज लेफ्ट विच इज लेस देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू आर्म्स मेजर इट सेपरेटली बाय एडजस्टिंग द आर्म्स अब आपने क्या था? अगर कुछ पोर्शन है लाइन का जो आपके जो डिस्टेंस से कम है तो आप क्या करेंगे आप इसको सेपरेटली मेजर करेंगे आप डिवाइडर की आर्म्स को एडजस्ट कर सकते हैं द लेंथ ऑफ द कर्व लाइन इज ऑप्टेन बाय द फॉलोइंग मेथड टोटल लेंथ ऑफ द कर्व लाइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सेगमेंट्स इनटू लेंथ ऑफ वन सेगमेंट प्लस लेंथ ऑफ द रिमेनिंग लाइन इफ एनी तो कैसे आएगा देखिए कितने आपने सेगमेंट्स बनाए उसको मल्टीप्लाई करेंगे लेंथ ऑफ वन सेगमेंट आपने लेंथ कितनी रखी थी एक सेगमेंट की वन सेंटीमीटर प्लस आपका जो लास्ट में बच गया अगर कोई है तो ओके okay, जो मतलब आपका लास्ट में कोई थोड़ा सा डिस्टेंस बच गया है तो उसको आप यहां पे लिखेंगे और इस तरह से आपकी टोटल लेंथ आ जाएगी ओके नाउ एक्टिविटी फोर मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ बॉल टेक अ रूलर एंड प्लेस इट हॉरिजोंटली प्लेस अ बॉल बिटवीन द टू वुडन ब्लॉक्स नो द लेंथ इन बिटवीन द टू इनर एंड ऑफ वुडन ब्लॉक्स the ball should be carefully held within the wooden blocks and the wooden blocks should be smooth and vertically placed the distance between the inner edges of the rectangular blocks is measured with a meter scale or a ruler this distance gives the diameter of the ball ab aapko ball ka jo diameter hai use measure karna hai तो आपको देखिए ये दो wooden blocks दिए गए इस तरह से उनके बीच में ball को रखना है और ऊपर आपने रखना है ruler, okay? तो जो जो डिस्टेंस होगा इनर एजेस जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स के बीच में आप जो मेजर करेंगे मीटर्स के लिए रोलर से ये जो डिस्टेंस है ये आपको बता देगा कि बॉल का डायमीटर कितना है रेस्ट एंड मोशन ऑब्जेक्ट दैट मूव और चेंज पोजीशन विद टाइम आर सेट टू बी मोशन वेयर एज ऑब्जेक्ट्स व्हिच डू नॉट मूव आर सेट टू बी स्टेशनरी और एट रेस्ट मोशन कैन बी टर्म्स एज स्लो ऑफ फास्ट बेस्ड ऑन द डिस्टेंस कवर्ड बाई द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम इफ़ द डिस्टेंस कवर्ड इन द सेम टाइम इज मोर द मोशन इज सेट टू बी फास्ट इन वॉइस वर्स देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजिशन को टाइम के साथ चेंज करता है हम कहते हैं कि वो मोशन में जबकि वो ऑब्जेक्ट जो स्टेशनरी रहता है जो मूव नहीं करता है वो रेस्ट पर है तो मोशन को हम स्लो या फास्ट भी बता सकते हैं वो डिपेंड करता है कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर डिस्टेंस सेम टाइम में ज़्यादा कवर किया है तो वो आपका फास्ट है ओके और अगर डिस्टेंस उन्हें सेम टाइम में कम कवर किया है तो वो स्लो है टाइप्स ऑफ मोशंस टू बी मोशन मेज चेंज इन पोजिशन मोशन कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स द वेज ऑफ ए कार आर इन मोशन द हैंड्स ऑफ ए क्लॉक चेंज दर पोजिशन द अर्थ मूवज अराउंड सन एंड एट द सेम टाइम इट मूव ऑन इट्स ओन एक्सेस अ बर्ड फ्लाइज इन एयर अ बॉल मूवज वेन किगड और थ्रोन इन ऑल ऑफ दिज केसेज द ऑब्जेक्ट्स आर इन मोशन आर दिस मोशन सिमिलर और एज दर एनी डिफरेंस बिटवीन टू ऑफ मोशन टू फाइंड एन आंसर लेटस्ट लुक एट सम इम्पॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोशन देखिए मोशन आपके डिफरेंट तरीके के भी हो सकते हैं जैसे कि जो व्हील्स हैं कार के वो मोशन में रहते हैं जो हैंड्स होती है कि लुक अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं अर्थ सर्न के अराउंड मूव करती है और सेम टाइम पर वो अपने एक्सेस पर भी मूव करती है बर्ड एयर में फ्लाई करती है ठीक है बॉल मूव करती है जब उसको किक किया जाता है थ्रो किया जाता है तो इन सारे ही केसेस में ऑब्जेक्ट्स मोशन में है पर क्या ये सारे मोशन सिमिलर है तो चलिए देखते हैं नंबर वन इज ट्रांसलेटरी मोशन वन व्हीकल मूव सच दैट ऑल पार्ट ऑफ द व्हीकल मूव इन द सेम डायरेक्शन एंड कवर इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट इज सेट टू वे इन ट्रांसलेशन मोशन द पार्ट ऑफ द व्हीकल ड्यूरिंग दिस मोशन कुड बी अ स्ट्रेट लाइन और अ अर्व लाइन डिपेंडिंग ऑन द पार्ट ऑफ द व्हीकल द ट्रांसलेशन मोशन कैन बी ऑफ टू टाइप्स रेटलिनियर मोशन और कर्विलियन मोशन ट्रांसलेशन मोशन आपका क्या है देखिए जैसे कि आपका एक व्हीकल है जो मूव कर रहा है ओके आपके उसके सारे पार्ट्स मूव कर रहे हैं सेम डायरेक्शन में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में तो वो आपका ट्रांसलेशन मोशन है अब वो किस पाथ पे जा रहे हैं ये ट्रांसलेशन मोशन भी आपके दो तरह के हैं रेक्टिलीनियर और कोविलीनियर रेक्टिलियर मोशन वेन एन ऑब्जेक्ट मूवज इन अ स्ट्रेट लाइन इट इज सेट टू बी इन रेक्टीलियर मोशन फॉर एग्जाम्पल अ बुलेट फायर फ्रोम अ गन अ कार मूविंग ऑन अ रूट अ स्टोन ड्रॉप फ्रॉम अ हाइट द पाथ मे और मे नॉट बी अ सिंगल स्ट्रेट लाइन इट कैन ऑल्सो बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन रेक्टिलीनियर मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो एक स्ट्रेट लाइन में मूव करता है जैसे कि बुलेट आपकी गन से फायर हुई कार रोड पर जा रही है स्टोन को आपने किसी की हाइट से ड्रॉप किया अब पाथ जो एक सिंगल स्ट्रेट लाइन नहीं है

अर्थ का जो रेवोल्यूशन है सन के अराउंड ट्रेन जो कउ पाथ पे जा रही है सारी कॉविडी मोशन है सर्कुलर मोशन अर्थ रिवॉल्व अराउंड द द सन इन इट्स ऑर्बिट चेंज इन सीजन हैपेंस बिकॉज ऑफ द अर्थ रेवोल्यूशन वाइल मूविंग अराउंड द द सन अर्थ फॉलोज सर्कुलर पाथ विच इज कॉल्ड अ सर्कुलर मोशन When a body moves around a circular path in such a way that its position keeps changing with time is said to be in circular motion the motion of a hand holding stone the motion of the moon around the earth movement of the hands of a clock a car moving in a circular track circular movement of a merry-go-round a ferry's wheel and the wheels of a moving vehicle are examples of circular motion

जो अर्थ के अराउंड वो करता है है ना जो मूवमेंट है हैंड्स का वो भी तो एक सर्कुलर मोशन है कार एक सर्कुलर ट्रैक पे आपका मूव करिए सारे एग्जांपल्स आपके सर्कुलर मोशन के रोटेटरी मोशन व्हेन ऑल पॉइंट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट मूव अराउंड अ सिंगल फिक्स पॉइंट द ऑब्जेक्ट इज सेट टू बी इन रोटेटरी मोशन एंड दिस मोशन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट मूव थ्रू डिफरेंट डिस्टेंसिज इन अ गिवन टाइम फॉर एग्जाम्पल द ब्लेज ऑफ अ सीलिंग फैन और अ टेबल फैन रोटेट अराउंड द सेंटर हब द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सेस अ स्पिनिंग टॉप ऑल्सो एग्जिबिट्स रोटेशनल मोशन अच्छा जब सारे पॉइंट्स जो हैं ऑब्जेक्ट के मूव करते हैं बट अराउंड अ सिंगल फिक्स पॉइंट तो उसे कहा जाता है रोटेटरी मोशन इस मोशन में जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं ऑब्जेक्ट के वो मूव करते हैं थ्रू डिफरेंट डिस्टेंस इन अ गिवन टाइम जैसे कि जो ब्लेड्स है सीलिंग फैन के या टेबल फैन के रोटेट करते हैं है ना वो सेंटर हब के अराउंड रोटेट करते हैं अर्थ जो है अपने एक्सेस पर रोटेट करता है स्पिनिंग टॉप रोलिंग मोशन rolling motion is a combination of translatory motion and rotatory motion this means that when an object is in rotatory motion it is in translatory motion as well as in rolling motion imagine how a wheel of a car moves it rotates around its center just like a fender's but then it also covers a distance in a straight line while rotating so motion of a wheel is a rolling motion when we kick a football it rotates and moves in a rolling motion अब जो रोलिंग मोशन है वो कॉम्बिनेशन है आपका ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेटरी मोशन का इसका मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट जो रोटेटरी मोशन में है वो आपका ट्रांसलेटरी मोशन में भी है और रोलिंग मोशन में भी है ओके okay? जैसे कि ओ, आपका जो व्हील ऑफ कार है वो मूव करता है ये एक सेंटर के राउंड रोटेट कर रहा है जैसे कि फैन करता है बट इसके बाद ये एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस भी कवर कर रहा है वाइल्ड रोटेटिंग तो जो मोशन है व्हील का वो आपका क्या है रोलिंग मोशन इसी तरह से फुटबॉल करता है एंड रोलिंग मोशन भी शो करता है मोशन ऑफ ए स्विंग इट रिपीट मोशन आफ्टर सम टाइम सिमिलरली पैंडलम ऑफ ए क्लॉक ऑल्सो रिपीट मोशन आफ्टर मोशन ऑफ ए बॉडी रिपीट इट टाइम It is called a periodic motion. For example, the motion of the minute hand is repeated after every sixty minutes. The periodic motion of the hour hand of the clock takes twelve hours. The earth rotates on its axis in twenty four hours. The earth revolves around the sun in three sixty five one by four days. All these are examples of periodic motion. Similarly, motion of a pendulum, motion of a swing machine are periodic motion.

का जो मोशन हो रहा है प्री मोशन होता है वो था आपका ट्वेल्व आवर्स में अर्थ अपने एक्सेस पर रोटेट करती है ट्वेंटी फोर आवर्स में अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है थ्री सिक्सटी फाइव वन बाई फोर डेज में तो ये सारे एग्जाम्पल्स आपके प्री ऑर्डिक मोशन के इसी तरह से आपका पैंडोलम का मोशन है स्विइंग मशीन का मोशन है ओके okay, और जो मोशन ऑफ बॉडी जो रिपीट नहीं होता आफ्टर सेम इंटर ऑफ टाइम तो उसे बोलते हैं नॉन पीओडिक जैसे you know, system, कि मोशन ऑफ अ मूविंग कार इन अ नॉन मोशन डू यू नो द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स इन प्लान सोलर सिस्टम इज मेजर इन टर्म्स ऑफ लाइट ईयर अ लाइट ईयर इज अ डिस्टेंस दैट लाइट ट्रैवल्स इन अ ईयर इन अ सोलर सिस्टम ऑल प्लैनेट्स एक्सेप्ट वीनस एंड यूरेनस रोटेट काउंटर क्लॉकवाइज ऑन देयर एक्सिस देखिए जो डिस्टेंस है बिटवीन अर्थ एंड दूसरे प्लान हमारे सोलर सिस्टम में उसको मेजर किया जाता है लाइट ईयरस में लाइट ईयर का मतलब है कि उन्होंने एक साल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया मतलब जो लाइट ने ट्रैवल किया एक ईयर में, एंड हमारे सोलर सिस्टम में अगर हम वीनस एंड यूरेनस को जो है आपके ये क्लॉकवाइज आपके रोटेट करते हैं ऑसिलेटरी मोशन

मेन और रेस्टिंग पोजिशन सच अ मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट मूव टू एंड फ्रो फ्राम इट्स मेन पोजिशन इज कॉल्ड वाइब्रेटरी मोशन अदर एग्जाम्पल्स ऑफ वाइब्रेटरी मोशन मूवमेंट ऑफ द स्ट्रिंग इन अ गिटार और अतार देखिए जैसे कि एक स्ट्रिंग से एक बॉल सस्पेंडेड है आपने उसको हिट किया तो वो टू एंड फ्रो मूव करेगी अपनी मेन पोजिशन से तो ऐसे मोशन को कहा जाता है वाइबरेटरी मोशन ओके जो और कुछ एग्जाम्पल्स हैं वाइब्रेटरी मोशन के जैसे कि आपकी गिटार की स्ट्रिंग है या सितार की जो स्ट्रिंग है, when we strike a tuning fork on a rubber pad, we see that the arms of the tuning fork start vibrating. जब हम ट्यूनिंग फॉक्क को रब्बर पैड के गैस ड्रॉप करते हैं, स्ट्राइक करते हैं, तो ट्यूनिंग फॉक्क जो है, वो वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देती है। When we bring this tuning fork close to a suspended tennis ball, the ball gets displaced from its main position. This is because the vibratory portion of the tuning fork transfers its energy to the air molecules surrounding the tennis ball and this makes the ball move. to aisa क्यों hota hai ki jab tuning fork ko pass leke aayenge suspended tennis ball के तो ball जो है displaced हो जाएगी अपनी mean position से। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो vibratory motion की वजह से, जो tuning fork ने अपनी energy को transfer किया air molecules में जो tennis ball के surrounding थे और जिससे कि ball move हुई। Random motion

They also used hollow wooden logs and simple boats to travel on water, though it would take a long time. Humans continued travelling like this until the discovery of the wheel. The invention of the wheel around 5000 years ago revolutionized transport. Vehicles such as carts, chariots, coaches drawn by horses, blocks, camels and donkeys were used as modes of transport. This made travelling easier and people could travel to distant places प्लेस इन द नाइनटीन एंड ट्वेंटी एथ सेंचुरी ट्रांसपोर्ट एवॉल्ड फॉर दिद इन्वेंशन ऑफ बाइसकल बसेज ट्रेन एयरोप्लेन एंड प्लेन्स टीम बोट्स एंड मोटरबोट्स एंशियंट टाइम में लोगों के पास कोई वहीकल नहीं थे तो वो पैदल ही चला करते थे अगर उनको थोड़ा सा फास्ट ट्रैवल करना है या लोड्स को कैरी करना है तो फिर वह एनिमल्स का यूज़ करते थे और इसके अलावा जो वुडन हॉलो वुडन लॉक्स का उन्होंने यूज़ किया या सिम्पल बोट्स का उन्होंने यूज़ किया वाटर में ट्रैवल करने के लिए ओके okay? हालांकि इसमें ना बहुत ज़्यादा टाइम लगता था ह्यूम्स ने इसी तरह से वो ट्रैवलिंग करते थे जब तक कि व्हील की डिस्कवरी नहीं हुई और व्हील की डिस्कवरी हुई थी लगभग पांच हजार साल पहले इसके बाद व्हीकल जैसे कार्ट चैरियट्स ये सब बने जिन्हें हॉर्स कैमल्स या डांकीस पोल करते थे और उसके बाद तो बहुत सारे इन्वेंशन हुए लाइक बाइसिकल बसेस आपके जेट प्लेन एरोप्लेन्स बोट्स एक्सेट्रा द मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट है स्टेम इंजन इन्वेंशन ऑफ बुलेट ट्रेन Wooden boats led to the invention of ships and aeroplanes, led to the invention of space craft, Electric trains, monorails, metro rails, supersonic aeroplanes, and space crafts are some of the contributions of the 20th century to the transportation industry. Now, means of transport have continuously improved. STEM mentioned ke baad ka aya, bullet train ka invention, wa, wooden board invention, wa, ships, ka, aeroplanes. ने जो है वो उसके बाद इन्वेंशन स्पेस क्राफ्ट का और इस तरह से बहुत सारे इन्वेंशन अभी तक होते आए हैं ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री में लर्निंग आउटकम्स मेजरमेंट इज नीडेड टू कैलकुलेट लेंथ विध हाइट डिस्टेंट एसे इन अर्ली टाइम्स बॉडी ऑर्गन यूज फॉर मेजरमेंट एस आई यूनिट स्टैंड फॉर सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट एस आई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर मीटर हैज वेरियस वेरिएशन लाइक किलोमीटर सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर ऑब्जेक्ट्स कैन बी स्टेशनरी और एट रेस्ट इन मूविंग और इन मोशन